गाइज ये हमारी ऑल न्यू XUV700 कार है भाई, और इसके अंदर अभी सारा SSG डाला जा रहा है। तो फिर इंस्टॉलेशन, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ना 11D लेमिनेशन होती हैं, काफ़ी हैवी क्वालिटी की रहती हैं। यहाँ पर इसकी थिकनेस आप देखें, पर देखो आप, ये हमारा MTEC का फ्रंट ABS गार्ड है XUV700 के लिए। और अभी इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर देखो, दूसरे साइड का जो साइड फुट स्टेप है MTEC ब्रांड का, वो यहाँ पर अभी इंस्टॉल किया जा रहा है। क्वालिटी एकदम फिनिशिंग आप देखो कितनी प्रीमियम, MTEC स्टाइल वाले रिफ्लेक्टर्स लाइट अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे, वॉलमिक्स ब्रांड के हैं एकदम। गाइस यहाँ पर आप देखो अल्ट्रा लाइट एम्बियंट्स RGB लाइट यहाँ पर लगाई जा रही है 14। तो भाई यहाँ देखो ये जो हमारी एम्बियंट लाइट्स हैं वो यहाँ पर हो गई चालू। तो यहाँ देखो इंस्टॉलेशन चल रहा है, और दो एग्जॉस्ट क्रोम फिनिशिंग के साथ में आपको देखने को मिलेगा, और पीछे साइड में MTEC की ब्रांडिंग रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पर लग चुका है, ये रिफ्लेक्टर लाइट भी यहाँ पर। हे गाइस, मैं हूँ तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ है और भैया जी हमारे साथ में कैसे हैं, और भैया ने अभी रिसेंटली खरीदी है एकदम चमचमाती भाई महिंद्रा XUV700 AX7 7 सीटर मैनुअल गाड़ी, वाइट कलर की आप देख सकते हैं। और अभी भैया की गाड़ी में सारा जो काम है ना हम लोग करने वाले हैं, एम्बियंट लाइट, फ्रंट ABS, रियर ABS, साइड फुट स्टेप, सारा सामान। तो वीडियो में बने रहिए, और फुल इंस्टॉलेशन अभी आपकी भैया की गाड़ी का हम लोग बताने वाले वीडियो में। गाइज ये हमारी ऑल न्यू XUV700 कार है भाई, और इसके अंदर अभी सारा SSG डाला जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर अभी हम लोग डालने वाले फ्रंट ABS गार्ड जो कि MTEC ब्रांड का होगा, जिसे इंस्टॉल करने वाले। इसके अलावा इस गाड़ी के लिए साइड फुट स्टेप का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं MTEC ब्रांड का मैट्रिक साइड फुट स्टेप इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए अनबॉक्स हो चुका है यहाँ पर, और रियर साइड में भी आपको यहाँ पर MTEC का रियर ABS गार्ड देखने को मिलेगा। फ्लोर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है फ्लोर लेमिनेशन, जो कि आप देख सकते हैं गाड़ी का जो कारपेट है ना, धूल मिट्टी के लगने के कारण काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो अभी गाड़ी की सीटों को हम लोग ने निकाल लिया, और निकालने के बाद में आप यहाँ देखेंगे सीटें हमारी यहाँ पर निकल चुकी हैं, वेंटिलेटेड सीटें हैं। और इसमें अभी हम लोग करने वाले हैं भाई 11D की लेमिनेशन का इंस्टॉलेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ना 11D लेमिनेशन होती हैं, काफ़ी हैवी क्वालिटी की रहती हैं। यहाँ पर इसकी थिकनेस आप देखिए कितनी ज़्यादा थिकनेस है, ये वाटरप्रूफ रहती हैं, पानी वगैरह भी इस पर जल जाता है, तो बढ़िया गीले कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं। रियर साइड में देखेंगे तो ये वेलको स्टिक है, जो कि कारपेट पे जाके चिपक जाता है, वन पीस का है, और ये है ना पूरा गाड़ी के लिए आता है। तो ये 11D लेमिनेशन 700 के लिए हम लोग लगा रहे हैं, जिससे गाड़ी का जो कारपेट है ना वो हमेशा के लिए डस्ट प्रूफ रहेगा और वाटर प्रूफ रहेगा। इसके अलावा सीटें हमारी बाहर निकल चुकी है, और यहाँ पर जो है डोर पैनल हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग गाड़ी की K4 सीरीज़ की एम्बियंट लाइट 14 पीस वाली डाल रहे हैं। तो जो डोर पैनल है आप यहाँ पर देख पाएंगे, निकाल लिया है, और गाड़ी की एम्बियंट लाइट का इंस्टॉलेशन अभी होने वाला है। बाकी गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी देखिए सिंपल है, तो यहाँ मोको के स्टेयरिंग कवर्स हम लोग डालेंगे, जो कि काफ़ी डिसेंट रहते हैं, यहाँ पर डालेंगे। और नीचे में देखेंगे तो नीचे में आप देख सकते हैं जो सीटें हैं वो निकालने के बाद में अभी डस्टिंग को क्लियर करेंगे, देन इसके ऊपर में 11D लेमिनेशन जो हमारा इंस्टॉल होगा। बाकी नीचे देख सकते हैं कंपनी के जो ट्रे मैट हैं, ये आपको कंपनी से मिले हुए हैं, ये कंपनी वाले ट्रे मैट हैं, ये वाला इसका प्लेट भी कंपनी वाला है। कंपनी के स्पीकर्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डले हुए हैं, आप चाहे तो इसमें डैम्पिंग सीट लगवा सकते हैं गाड़ी को नॉइस प्रूफ कम करने के लिए। बाकी रूफ रेल इसमें लगा हुआ है, और यहाँ आप देखेंगे ना तो यहाँ पर सनरूफ भी है, काफ़ी बढ़िया सा ये सनरूफ भी आपको मिल जाता है। तो अभी सारा काम चल रहा है इस गाड़ी का, वन बाय वन आपको सारी डिटेल इस गाड़ी की अभी हम लोग देने वाले हैं। तो भाई ये देखो अभी हमारी गाड़ी का जो मैट्रिक्स फुट स्टेप है MTEC ब्रांड का, वो यहाँ पर लगा दिया गया है, फुल हैवी क्वालिटी का रहता है, हैवी मटेरियल का रहता है, और यहाँ पर देखिए इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सब में इम्पॉर्टेंट है इसके जो क्लैम्प्स हैं, तो ये देखिए पूरे हैवी क्लैम्प्स आपको इसके अंदर दिए जाते हैं, तीन क्लैम्प के ऊपर में ये जो फुट स्टेप है ये होल्ड किया जाता है, और ये प्रॉपर है ना, आप यहाँ देखो ये जो मैट्रिक्स है XUV700 के लिए पूरा क्लैम्प आता है, इसको लगाने के लिए स्क्रू नट ये भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अभी इसका इंस्टॉलेशन कर दिया गया है, तो साइड फुट स्टेप आप अभी यहाँ पर देख पाएंगे। तो भाई यहाँ पर देखो ये जो है मैट्रिक्स फुट स्टेप यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, MTEC ब्रांड की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी, फुल ABS मटेरियल है, और यहाँ पर ये लग चुका है, तो साइड फुट स्टेप आप यहाँ पर देख पाएंगे लगा दिया गया है। और गाड़ी के अंदर अभी आप देखेंगे ना तो वैक्यूम क्लीनर से अभी साफ किया जा रहा है फ्लोर, जो डस्टिंग है ये सारी डस्टिंग क्लियर होगी, उसके बाद में हमारा जो 11D लेमिनेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और इसका काम अभी यहाँ पर चल रहा है।
दूसरे साइड का फुट स्टेप है वो भी अभी इंस्टॉल होने वाला है, तो वो भी इंस्टॉल करके आपको बताएंगे। अभी दूसरे साइड का फुट स्टेप अभी यहाँ पर लगने वाला है और वैक्यूम क्लीनर का काम अभी यहाँ पर चल रहा है। गाइस यहाँ पर आप देखो अल्ट्रा लाइट एम्बियंट्स RGB लाइट यहाँ पर लगाई जा रही है, 14 पीस वाली है। और इसके अंदर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड और आईफोन के लिए QR कोड मिल जाता है जिसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन। और ये जो है द न्यू 7th जनरेशन RGB लाइट है जो कि गाड़ी की है, K4 सीरीज वाली है, और इसे अभी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं हमारी 700 के अंदर। तो इसमें जो है कंट्रोलर्स ही आपको मिल जाते हैं, इसके अलावा पूरी वायरिंग लाइन आपको मिल जाती है, ये अंदर के जो लाइटें हैं जो लगती है वो आपको मिलेगी। और अभी जो डोर पैनल हम लोगों ने निकाले हैं तो उसमें आप देखिए ये जो लाइटें हैं स्ट्रिप, इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जा रहा है इसके अंदर। तो अभी सारे डोर पैनल डैशबोर्ड पे और जो वाटर होल्डर है यहाँ पर इस जगह पे भी लाइट का इंस्टॉलेशन होगा। तो ये इंस्टॉलेशन होने के बाद में आपको फिर इसका रिव्यू देंगे। चलो भाई, इसके अलावा भाई 700 के जो ये रिफ्लेक्टर हैं वो कंपनी वाले हैं और यहाँ पर मैट्रिक स्टाइल वाले रिफ्लेक्टर्स लाइट अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। वॉलमिक्स ब्रांड के हैं, एकदम प्रॉपर हैं। और ये जो चीज़ है ना अभी यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है, तो यहाँ पर आप देखो ये जो है ना रिफ्लेक्टर लाइट्स अभी यहाँ पर इंस्टॉल हो गए 700 के। अभी देखो दूसरे साइड का जो साइड फुट स्टेप है एमटेक ब्रांड का वो यहाँ पर अभी इंस्टॉल किया जा रहा है। क्वालिटी एकदम फिनिशिंग आप देखो कितनी प्रीमियम क्लास की क्वालिटी है। और ये जो चीज़ है ना अभी साइड फुट स्टेप यहाँ पर इंस्टॉल होगा तो आप इसे देख पाएंगे। तो क्लैंप जो है क्लैंप यहाँ पर लगा दिए गए हैं प्रॉपर और इसके ऊपर अभी इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तो भाई ये जो नीचे का है ना ये देखो 11D लैमिनेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है फ्रंट साइड से लेकर बैक साइड तक पूरा। अभी क्या होगा इस गाड़ी के ऊपर में अब कुछ भी वाटर गिर जाता है तो आप उसको गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो फ्लोर के प्रोटेक्शन के लिए 11D लैमिनेशन, ये देखिए साइड का भी यहाँ पर रहने का बाकी है, बाकी ऑल टू ऑल ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। गाइस अभी हमारा रियर साइड का ABS गार्ड यहाँ पर भी इंस्टॉल किया जा रहा है एमटेक वाला और काफ़ी बढ़िया उसका लुक आता है इंस्टॉल होने के बाद में। और रियर साइड के बम्पर की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है। तो यहाँ देखो इंस्टॉलेशन चल रहा है और दो एग्जॉस्ट क्रोम फिनिशिंग के साथ में आपको देखने को मिलेगा और पीछे साइड में एमटेक की ब्रांडिंग ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन, रेड लाइनिंग आपको उसमें मिलेगी। और देखिए इस तरीके से नीचे में स्क्रू लगता है, स्क्रू की मदद से ये होल्ड होता है। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इसी तरीके का फ्रंट साइड का भी लगेगा वो भी आपको बताएंगे। तो ये रियर साइड का जो है आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम क्लास का यहाँ पर लग रहा है इंस्टॉल होने के बाद। तो रियर ABS गार्ड एमटेक ब्रांड का यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाए। यहाँ पर देखो आप ये हमारा एमटेक का फ्रंट ABS गार्ड है XUV 700 के लिए और अभी इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो प्रॉपर यहाँ पर इंस्टॉल होगा, क्वालिटी एकदम प्रीमियम क्लास की है इसकी और अभी इंस्टॉल करने के बाद में इसका वीडियो आपको बताएंगे। तो देखिए भाई इसको इंस्टॉल करने के लिए ना अब यहाँ पर देखिए ये पूरा बॉडी से अटैच होके लगता है नीचे और प्रॉपर है। और यहाँ पर भी अब देखिए ये जो है ना यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी, पूरा बॉडी से फिट होके लगता है भाई। स्पोर्ट एडिशन का है, एमटेक ब्रांड का है और अभी इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन होने के बाद में फिर इसका आपको लुक बताएंगे। तो ये हमारी XUV 700 है और इसका फ्रंट ABS गार्ड का इंस्टॉलेशन चल रहा है। इसका जो है ना एमटेक का आपको पूरा किट मिलता है यहाँ पर आप देखेंगे तो सरफेस क्लीनिंग किट जो आता है जिसमें आपको ये पूरा यहाँ आप देखेंगे स्वैप मिलता है, ये लिक्विड आता है जिससे लगाया जाता है। इससे पहले क्लीन करना पड़ता है सब कुछ, आप देखेंगे यहाँ पर जो है ना पूरा क्लीन आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से क्लीन होगा और क्लीन करने के बाद में फिर इसका इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हमारा रियर साइड का जो है ना वो यहाँ पर है जो अभी बॉडी पे सरफेस को क्लीन करने के बाद में फिर इसको लगाया जाएगा। रियर साइड में TM टेप है वो निकल के यहाँ चिपकेगा, देन उसके बाद में जो हमारा ये गार्ड है यहाँ पर इंस्टॉल होगा। यहाँ पर देखो हमारा जो है ना ये ABS गार्ड यहाँ पर ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है और जो नंबर प्लेट है ना वो यहाँ पर लग जाएगा। तो इसके बाद में जो फ्रंट ABS गार्ड है XUV 700 को वो यहाँ पर हो चुका है इंस्टॉल। तो भाई यहाँ देखो ये जो हमारी एम्बियंट लाइट्स हैं वो यहाँ पर हो गई चालू और ये जो है ना भाई XUV 700 के अंदर लगाई गई है, फ्रंट बैक पूरा यहाँ लगाया गया है। नीचे में भी आपको लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी लाइटिंग लगाई गई है, ये सारी एम्बियंट लाइट है, यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट है। ये भी एम्बियंट लाइट
नीचे में 14 पीस वाली एम्बियंट लाइट है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, तो काफ़ी खूबसूरत लुक आता है इसका लगने के बाद। और जो हमारे गाड़ी के साइड फुट स्टेप आप देख लो, एमटेक वाला साइड वाली क्लाइटिंग भी यहाँ पर लगा दी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम क्लास का लुक देती है। और ये हमारी जो 700 गाड़ी, इसका रियर वाला जो गार्ड मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आप देखो ये रियर वाला गार्ड, और ये जो है आपका भाई, ये हमारा रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पर लग चुका है। ये रिफ्लेक्टर लाइट भी यहाँ पर लगा दिया गया है, लुकिंग वाइज काफ़ी बढ़िया है। रियर साइड का आप यहाँ देख लो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग कवर यहाँ पर स्ट्रेचेबल वाला लगाया गया है, और मोको ब्रांड का आपको मिलेगा यहाँ पर।